हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज के वीडियो में यार निकल पड़े हैं भूमसी नेचर पार्क, उसको जरा एक्सप्लोर करते हैं। गुड़गांव के काफ़ी पास में है एंड मैंने काफ़ी अच्छा सुना है उस पार्क के बारे में, तो आज जरा जाके देख के आते हैं कि कैसा वो पार्क है और क्या वहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। सो चलिए आइए भूमसी नेचर पार्क की ओर चलते हैं। ओके सो गाइस, ये मैं आ गया हूँ भूमसी नेचर पार्क में। अब चले जा रहे हैं जहाँ पे जाना है, एक्चुअली जहाँ पे बर्ड्स वगैरह मिलती हैं। आप सुनो कितना ब्यूटीफुल नेचर का साउंड है यार यहाँ पे, आपको और कुछ आवाज़ें नहीं आएंगी, तो ब्यूटीफुल साउंड। चलिए आइए फटाफट चलते हैं आगे, देखते हैं अपने को यहाँ नेचर में क्या देखने को मिलता है एंड कौन सी बर्ड्स देखने को मिलेंगी, तो मैं आपको उन बर्ड्स के बारे में भी बताऊँगा। तो चलिए आइए फटाफट आगे चलते हैं। सबसे पहले पार्क में एंटर करते ही मुझे यहाँ पे एक बर्ड का नेस्ट मिलता है। यहाँ ये बर्ड अपने बेबी को फीड कर रही थी। यह है गोल्डन ओरियोल, जो कि एक बहुत सुंदर बर्ड है। इनमें मेल्स का कलर बहुत ब्राइट येलो होता है एंड ब्लैक विंग्स एंड पिंकिश बिल होती है, यानी कि पिंक चोंच। वहीं फीमेल्स थोड़ी डल येलो कलर में होती है। इनके इतने ब्राइट कलर्स होने के बावजूद भी आप इन्हें ज़्यादातर देख नहीं पाएंगे, क्योंकि इन्हें छुप के रहना पसंद है। इनके ये बच्चे जिन्हें चिक्स कहते हैं, ये एग से निकलने के 16 से 20 दिनों में घोंसला छोड़ देते हैं। यह है ब्राह्मणी स्टारलिंग, या कहूँ तो टूर्निया पैगोड्रम। माना जाता है इसका ये नाम इनको इनकी काफ़ी सारे टेंपल्स में प्रेजेंस, जिनको पैगोड़ा भी कहते हैं, के चलते दिया गया है। और अगर आप इनको गौर से देखेंगे तो आपको इनके सर के पीछे पंडितों की तरह एक लंबी चोटी भी देखने को मिलेगी। ये अपना घर ट्री के होल्स एंड कैविटीज़ में बनाती है। अक्सर इनका घर बाकी बर्ड्स जैसे कि पैराकीट्स या दूसरी मैना के नेस्ट के आसपास ही होता है। ये बर्ड बाकी बर्ड्स की आवाज़ निकालने में काफ़ी ज़्यादा माहिर होती है। ओके सो गाइस, जब आप भूमसी नेचर पार्क में आते हो तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो भूमसी नेचर पार्क के अंदर आपको डिफरेंट टाइप की बर्ड स्पीसीज देखने को मिलेंगी। गुड़गांव के काफ़ी नज़दीक ही ये नेचर पार्क जो है सिचुएटेड है। यहाँ पे एक हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर जी, उनका एक रेसिडेंस भी है। ये एरिया को डोनेट किया गया था भारत यात्रा केंद्र द्वारा, तो यहाँ पे इनका एक फार्म हाउस कम रेसिडेंस टाइप ये बना हुआ है पीछे जो आप देख रहे हैं। एंड ये हमारे कुछ टाइम के लिए प्राइम मिनिस्टर रहे थे एंड तब से लेके अभी तक ये शायद इन यूज़ नहीं है, अबैंडन्ड है, क्योंकि जिस तरीके की इसकी प्रॉपर्टी की हालत है, हालांकि सुंदर, काफ़ी सुंदर जगह पे, बट जिस तरीके की हालत है अभी आई थिंक ये यूज़ में नहीं है। टोटल अगर मैं बात करूँ तो 100 एकर्स में ये कैंपस पूरा फैला हुआ है एंड इसको एक भारत यात्रा केंद्र के अंडर में से इसको निकाला गया है। तो 600 एकड़ का जो पूरा भारत यात्रा केंद्र का जो लैंड था, उसमें से 100 एकड़ जो है ये भूमसी नेचर पार्क के लिए बनाया गया है, और इसको भूमसी की जो ग्राम पंचायत है उसने डोनेट किया था इस पार्क को डेवलप करने के लिए और बनाने के लिए।
तो बहुत सुंदर एक पार्क है। आप यहाँ पे आते हैं तो ज़रूर अपने अच्छे कैमराज लेके आइए ताकि आप बर्ड्स को अच्छे से कैप्चर कर सकें। बहुत सुंदर सुंदर बर्ड्स आपको देखने को मिलेंगी, जैसे गोल्डन ओरियल हो गई, एंड इसके अलावा आपको पैराडाइज फ्लाई कैचर देखने को मिल सकती है। देन उसके बाद जो हमारी लोकल स्पीसीज हैं, ग्रीन पिजन हो गया या फिर बुलबुल, मैना, ये सब तो आपको मतलब बहुत कॉमन है, बहुत आराम से आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यही सब देखते हुए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ अभी, और देखते हैं हमें अभी कौन सी बर्ड्स देखने को मिलती हैं, एंड मैं आपको थोड़ा और आगे अभी लेके चलूँगा। यहीं पास में एक लेक भी है, मैं आपको वो लेक भी दिखाता हूँ। कोई बहुत बड़ा लेक नहीं है, बट एक छोटा सा लेक है, एंड ये काफ़ी एक अच्छा यहाँ पे एनवायरनमेंट देता होगा जब यहाँ पे मान लीजिए पानी अवेलेबल होगा। अभी तो सूख गया है, आप देख सकते हैं, तो अभी थोड़ा सा यहाँ पे बर्ड्स का मूवमेंट कम है, तो पानी होता है तो यूजुअली बर्ड्स उसके आसपास होती हैं। भोन जी ने थोड़ा और आगे जाने पे मुझे यहाँ पे एक पैराडाइज फ्लाई कैचर का नेस्ट मिलता है। ये यहाँ पे एक फीमेल अपने नेस्ट में एग्स की हैचिंग कर रही थी। पैराडाइज फ्लाई कैचर एक बहुत ही सुंदर बर्ड है और इनमें मेल्स की एक लॉन्ग टेल होती है और ये दो कलर में पाए जाते हैं, वाइट एंड सिनेमन। इन दोनों कलर्स के मेल्स में एक ग्लॉसी ब्लैक हेड होता है एंड इनकी आईज़ पे आपको एक ब्लू कलर का रिंग देखने को मिलता है, जबकि फीमेल्स में ये कलर वेरिएशन देखने को नहीं मिलता। पर इन बर्ड्स की मेल एंड फीमेल दोनों में ही आपको इनके हेड पे एक क्राउन देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी सुंदर लगता है। गाइस देखो, अब यहाँ पे मैं पैराडाइज फ्लाई कैचर को कवर कर रहा हूँ और इतने में यहाँ पे मेरे को पीछे से एक कॉल आ गया है फ्रेंड का, ही सेइंग कि यहाँ पे स्पॉटेड आउटलेट है। तो चलिए आइए फटाफट स्पॉटेड आउटलेट को एक बार ट्रैक करते हैं, देखते हैं अपने को कैसा देखने को मिलता है एंड क्या अपने को वहाँ और मिलता है। मेरे को कॉल आने के बाद टाइम रहते ही मैं उस लोकेशन पर पहुँच गया और मुझे ये स्पॉटेड आउटलेट देखने को मिलता है। ये एक छोटे साइज़ का आउल होता है जिसकी बॉडी के अपर पार्ट्स पे आपको वाइट स्पॉट्स यानी ब्राउनिश बेस के ऊपर वाइट स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। वहीं अगर आप इसका फेस ध्यान से देखें तो आपको इसके फेस पे वाइट आईब्रोज एंड नेक पे एक वाइट कलर का नेक बैंड देखने को मिलता है, जिससे इसकी पहचान होती है। ओके सो गाइज, यहाँ पे ऊपर एक बहुत अच्छा एक सुंदर मंदिर भी है, तो चलिए आइए मैं आपको यहाँ पे इस एरिया में मंदिर तक दिखा के लाता हूँ कि किस तरीके का मंदिर है और क्या वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ओके सो गाइस, यही है पूरा भोंडसी नेचर पार्क का रिव्यू। कैसा लगा आपको ये भोंडसी नेचर पार्क, जहाँ जो मैंने आपको बर्ड दिखाई और यहाँ का जो पूरा मंदिर का जो पूरा एरिया दिखाया, सारी चीज़ें बताई, कैसी लगी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अगर आपके कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड मुझसे ज़रूर पूछ लेना, मैं आपको सबके सवालों के जवाब दे दूँगा। और जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, अपने हर वीडियो में कहता हूँ, तब तक के लिए गाइस अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास का ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, एनवायरनमेंट में साफ़ सफाई बनाए रखिए। जय हिंद।